हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने स्केसिटी डेफिनेशन के बारे में कुछ डिटेल्स दी थी कि स्केसिटी डेफिनेशन का आइडिया किसने दिया और स्केसिटी किस किस चीज़ों को अराइज करता है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि स्केसिटी एक प्रॉब्लम को अराइज करता है, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम लीड टू सेंट्रल प्रॉब्लम। सो इन दिस लेक्चर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड सेंट्रल प्रॉब्लम। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज वर्क। हाँ जी, तो सबसे पहले जो आपके सामने है वो टॉपिक है, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को इन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था स्केर्सिटी का, ठीक है, जिन्होंने स्केर्सिटी का लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज ऊपर आए आइकन को प्रेस करके जाकर के स्केर्सिटी लेक्चर एक बार जरूर देखें, नहीं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखो, वेन एवर वी पावर्स अराउंड द स्केर्सिटी मीन्स वेन एवर वी आर इन अ सिचुएशन वेयर वी लैक ऑफ रिसोर्सेज, उस सिचुएशन में वी नीड टू मेक सम चॉइसेस, है ना। वी कैन नॉट फुलफिल ऑल ऑफ आर डिजायर्स विद अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। सो वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक चॉइसेस। कैसे करोगे आप चॉइस? आपको पता है कि पैसा कम है, रिसोर्स कम है, उस टाइम पे मेन प्रायोरिटी किसकी है? जो मेन प्रायोरिटी है आप उसे चूज करोगे, बाकी सारे आइडियाज को you will let away. So that is the idea of economic problem as well. Suppose if you आपके exams आने वाले हैं या आपके exams का time है, अब ऐसा होता है exam time में तो हम सभी को पता है कि अब तो पढ़ना ही है। उस केस में वही 24 hours में हम क्या करते हैं, उसी 24 hours में इंस्टा भी चलाना है, फ्रेंड के साथ खड़े भी होना है और TV shows भी देखने हैं, पढ़ाई भी कर लेनी है, ठीक है। तो आप करते क्या हो, आप उस केस में चॉइस करते हो कि यार इस टाइम में मैं क्या करने वाला हूँ। तो आप करते क्या उस केस में, आप ये करते हो कि भाई इंस्टा का टाइम कम कर देते हो, सोने का टाइम कम कर देते हो, ठीक है, और सारे एक्टिविटीज का टाइम करके आप क्या करते हो, अपना मेन फोकस पढ़ने के टूवर्ड्स लगाते हो। एंड दैट इज व्हाट इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज, कि वेन एवर यू लैक रिसोर्सेज यू हैव टू मेक चॉइसेस, ठीक है, बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटीज के उस टाइम पे उस रिसोर्स के लिए आपकी किस चीज को लेके प्रायोरिटी ज्यादा है, तो जो प्रायोरिटी आपकी होगी आप उसे फुलफिल करोगे, उसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो डेफिनेशन देख लेते हैं, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स मींस आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट व्हेनेवर सोर्स मींस आर यूज्ड टू सैटिस्फाई alternative ends if means are not scarce there is no problem at all. उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जब भी जो scarce means होते हैं, means please आप इस चीज को एक बार correct कर लेना, ठीक है, it is scarce, right? जब भी हम limited resources, मतलब वो resources जो मेरे पास कम है उनको यूज करेंगे अपनी बहुत सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, स्केर्सिटी फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हमने थर्ड लेक्चर में समझा ही था, ठीक है। आगे देखते हैं कि रीजंस क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। पहला, स्केर्स रिसोर्सेज। अगर आपको वही टाइम 24 आवर की जगह आपको पता होता कि भैया समय ही समय है, टाइम ही टाइम है, यू हैव प्लेंटी अमाउंट ऑफ टाइम, इन सच केस यू डोंट नीड टू डिसाइड कि यार अभी पढ़ लूं या बाद में पढ़ लूं, आपको पता है बहुत टाइम है, पढ़ लूंगा आराम से, क्या ज्यादा, है ना। सिमिलरली आपने अपने पापा को बोला आईफोन दिला दो, बहुत पैसा होता तो वो सेकंड्स में दिला देते, नहीं दिलाया, क्यों? क्योंकि उनके पास उस आईफोन से पहले बहुत सारे और काम थे और जो मनी वो इनकम जो रिसीव कर रहे थे वो क्या थी, लिमिटेड। तो पहली प्रॉब्लम आने की वजह क्या है कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। दूसरा, ऑल्टरनेटिव यूजेस। एक तो जो मनी आपके फादर अर्न कर रहे हैं वो पहले एक लिमिटेड अमाउंट है आपके घर के खर्चे के हिसाब से, ठीक है, और ऊपर से उस मनी के यूजेस भी ऑल्टरनेट है, है ना, मतलब एक यूज तो है नहीं, उसी से रेशन भी आना है, उसी से आपके स्कूल की फीस, आपके ट्यूशन की फीस, आपके कपड़े, एक्सेसरीज, घर का बिजली का बिल, केबल, ठीक है, और आपके जितने भी ग्रॉसरी है उसका बिल, आपके ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग यू नीड टू सेटल डाउन विद दैट अमाउंट ऑफ मनी ओनली, ठीक है। सो दैट इज द रीजन ही हैज टू मेक चॉइसेस कि ये सारी तो यूजेस हैं, इनमें से फिलहाल आईफोन ऐसा प्रायोरिटी यूज नहीं है जिसके बिना लाइफ सस्टेन ना हो सके। तो वो करते क्या है, जनरली वो सबसे बेस्ट चॉइस करेंगे उस हिसाब से। तो पहला तो लिमिटेड है, फिर उसके यूजेस भी क्या है, ऑल्टरनेटिव, है ना, बहुत सारे यूजेस है, एक ही यूज होता तो वही कर लेते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स।
ऊपर से हमारी इच्छाएं भी ऐसी मिलती है। ऐसा नहीं है जैसे मैंने आपसे कहा था आज आईफोन मिल गया तो आप खुश हो गए, ऐसा नहीं होगा। आज आईफोन मिल गया ठीक है, हो सकता है कि फॉर द टाइम पीरियड ऑफ से 1 ईयर और 2 ठीक है यू विल बी हैप्पी विद दैट आईफोन, बट आफ्टर दैट यू नीड टू चेंज कि यार बड़ा पुराना हो गया चेंज कर लेता हूँ। तो जितनी फ्रीक्वेंटली हमारे माइंड में थॉट्स और वॉन्ट आती है ना, उतनी फ्रीक्वेंटली हमारे माइंड के अंदर या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं आ जाते। अगर मैं एक साइंटिफिक रिसर्च की बात करूँ तो साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से एक इंसान जो एक कॉमन पीपल होते हैं ठीक है, उनको एक दिन में 70,000 थॉट्स आते हैं। अब 70,000 थॉट्स में से अगर मैं 10% भी मान के चलूँ कि मेरी वॉन्ट है, तो इतना रिसोर्स जनरेशन कहाँ है हमारे पास। तो इसीलिए प्रॉब्लम आती है, ह्यूमन वॉन्ट्स अनलिमिटेड है। अगर हम अपनी लिमिट वॉन्ट्स को लिमिट करना सीख जाए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ठीक है, सो दैट इज द रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो अगर आप मानो इनमें से कोई भी पॉइंट अगर नहीं हो, एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाए, क्योंकि चुनना पड़ ही तब रहा है जब कमी है। जब बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे तो यू डोंट नीड टू चूज ठीक है, यू कैन फुलफिल ऑल ऑफ योर डिजायर्स। लाइक सपोज इफ आप अंबानीज के घर पैदा होते, बिरला के घर पैदा होते, महिंद्रा से घर पैदा होते, तो क्या दिक्कत थी, सब पूरा हो जाता ना, दैट इज द आईडिया ठीक है। अब मैंने आपसे कहा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या करता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम लीड करता है नेक्स्ट प्रॉब्लम को, जो कि क्या होती है, जो कि सेंट्रल प्रॉब्लम। हर कंट्री चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो चाहे वो कैसी भी कंट्री हो चाहे वो कैसी भी कंट्री हो, हर कंट्री को चेंज करना, हर कंट्री को फेस करना पड़ता है किसको, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम को। तो देखते हैं क्यों, क्योंकि हर कंट्री के पास क्या है, हर कंट्री के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, चाहे वो यूएसए है चाहे वो लंदन, हर कंट्री फेस करती है सेंट्रल प्रॉब्लम। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी ठीक है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम जो हमारे पास है वो क्या है, देखो हमने लिखा हुआ है इट्स द प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। बिकॉज ऑफ स्केयरसिटी एवरी सोसाइटी हैज टू डिसाइड हाउ टू एलोकेट द स्केयर्स रिसोर्सेज, है ना। देखो ऐसा है कि जो प्रॉब्लम है स्केयरसिटी की सबके साथ है, सारी कंट्रीज अपना प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करना चाहती है, हर इंसान बहुत ज्यादा कंज्यूम करना चाहता है ठीक है। तो ये जो है ये हर इकोनॉमी की बेसिक एक्टिविटी हर इकोनॉमी में चलता है। और क्योंकि स्केयरसिटी की वजह से आप हर इंसान की हर वांट को पूरा नहीं कर सकते, है ना। अब अगर मैं इसी टाइम की बात करता हूँ जो क्वारंटीन चल रहा है, इस क्वारंटीन की वजह से बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के जो बजट्स हैं वो बिल्कुल ही बिगड़ चुके हैं। सो गवर्नमेंट के पास इतने सारे खर्चे हैं, अब कोई कह रहा है कि मुझे घर जाने तक के पैसे दे दो, कोई कह रहा है मुझे खाने के पैसे दे दो, कोई कह रहा है हमारी इंडस्ट्री बर्बाद होगी, कोई कह रहा है मेरा लोन हो गया। अब गवर्नमेंट जो है उसको सब कुछ देखना है, है ना। तो दैट इज द रीजन के लिमिटेड रिसोर्सेज है तो यू कैन नॉट फुलफिल ऑल द डिजायर्स ऑफ एवरी पर्सन ठीक है, यू आर नॉट एबल टू डू सो ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फेस सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इसी को हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्यों, क्योंकि अब कोई कह रहा है मुझे ये दो, कोई कह रहा है मुझे वो दो, तो गवर्नमेंट को क्या डिसाइड करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई जो सबसे ज्यादा जरूरी है भाई पहले तो हम वही करेंगे, है ना। दैट इज द आइडिया। तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, ये तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स है जो हर कंट्री फेस करती है। आपका एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है बाय सेइंग यू के रिच इकोनॉमी फेस करती है क्या, डेवलप्ड इकोनॉमी फेस करती है क्या, योर आंसर मस्ट बी यस, हर इकोनॉमी फेस करती है क्योंकि स्केयरसिटी इज इनएविटेबल, स्केयरसिटी सबके साथ है। अभी प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट डू वी मीन बाय व्हाट टू प्रोड्यूस, के मेजर कौन से गुड्स बनाने या सर्विसेज, ऑफकोर्स जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होगी वही बनाएंगे। हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, भाई बनाने के दो ही तरीके हैं दुनिया में चीज़ों को बनाने के, या तो तुम ज्यादा मशीन्स लगा दो या तो तुम ज्यादा लेबर लगा दो। तो यू हैव टू चूज कि क्या तरीका मेरी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। हर अगेन इकोनॉमिक रिलेटिविटी पे काम करता है तो हर इकोनॉमी के हिसाब से अलग होगा। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, दिस इज अ चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि जो गुड्स आप बनाने जा रहे हो उन गुड्स को बनाने के लिए जो कंजम्पशन वो करेंगे गुड्स वो कौन करेंगे। सो सबसे पहले फर्स्ट करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस के ऊपर, कि व्हाट टू प्रोड्यूस की जो प्रॉब्लम हमारे पास क्या है ठीक है। तो अगर हम व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करते हैं तो व्हाट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को इकोनॉमी को बनाना चाहिए। इकोनॉमी फरारी बनाए, इकोनॉमी ऑडी बनाए, इकोनॉमी वीट की प्रोडक्शन करे, इकोनॉमी राइस की प्रोडक्शन करे, इकोनॉमी को ओपीएम उगाना चाहिए या नहीं उगाना चाहिए। सो वो सारे आंसर्स जो हैं वो व्हाट टू प्रोड्यूस में। अब देखो वी आर 135 करोड़ पीपल, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी, 135 करोड़।
अगर मैं सब की तरफ से सिर्फ एक वांट भी मांगता हूँ, मान लेता हूँ कि सिर्फ इंसान एक ही वांट कर रहा है, तो भी टोटल वांट कितनी हो जाती है, 135 करोड़ वांट हो जाती है। तो आप तब सोच के देखो कैसे इकोनॉमी 135 करोड़ लोगों के हिसाब से सब चीज़ें बनाने बैठ जाएगी। दैट इज द आइडिया, दैट इज द बेसिक क्रक्स ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, कि यू हैव टू चूज, यू हैव टू डिसाइड योर गवर्नमेंट, ठीक है, योर लॉ एंड ऑर्डर हैज टू डिसाइड कि प्रायोरिटी क्या है, वो कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। सो दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो जैसे लिखा है एवरी इकोनॉमी हैज स्केर्स रिसोर्सेज एंड दिस कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स, मोर ऑफ वन गुड और सर्विस यूजुअली मींस लेस ऑफ द अदर, लिमिटेड है भाई। आपके पास पापा के पास 50,000 रुपये आ रहे हैं, तो अगर उस 50,000 में अपने लिए आईफोन लोगे तो बाकी घटाने पड़ेंगे। अपना पढ़ाने का टाइम अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना 24 घंटे को पढ़ने में लगाओगे तो गेम कम करना पड़ेगा, तो वही प्रॉब्लम गवर्नमेंट के साथ है। फॉर एग्जाम्पल इन अ पीस ऑफ लैंड मोर प्रोडक्शन ऑफ वीट इम्प्लाइज लेस प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड, अगर तुम एक लैंड के ऊपर ज्यादा वीट उगाते हो तो मस्टर्ड कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर तुम वॉर गुड्स को ज्यादा बनाओगे तो सिविल गुड्स कम करने पड़ेंगे। या सिविल गुड्स मतलब कौन से होते हैं, सिविल गुड्स वो हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं जो हमारे चाहिए, लाइक दिस टी शर्ट, ठीक है, योर मार्कर पेन, ये सारे गुड्स जो हमारी कंजम्पशन के लिए, एंड वॉर गुड्स यू बेटर अंडरस्टैंड। अब वो क्या है, इसके साथ क्या होता है, इस प्रॉब्लम के दो एस्पेक्ट आ जाते हैं। दो एस्पेक्ट कौन से, पहले तो इकोनॉमी ये डिसाइड करेगी कि कौन से गुड्स बनाने हैं, मीन्स सिविल गुड्स बनाने हैं तो कौन से, और वॉर गुड्स बनाने तो भी कौन से। तो पहले प्रॉब्लम क्या आई कि विच कमोडिटीज, ठीक है। उसके बाद आता है क्वांटिटी। इट्स लाइक अगर आप दो रोटी खाते हो यूजुअली, दो या तीन रोटियां चपाती यू कंज्यूम, तो क्या होगा आपकी मदर आपके लिए कितना बनाएंगी, तीन ही बनाएंगी ना। अगर ज्यादा बना देंगी तो क्या हो जाएगी, वेस्टेज। सेम विद द नेशन, नेशन को पता चल गया भाई वीट ग्रो करना है, तो उसके बाद वो क्वांटिटी देखेगा ना कि कितना वीट ग्रो करना है, क्योंकि ज्यादा बना देंगे तो इट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। पहले ही स्केर्सिटी है, ज्यादा बना के वेस्टेज क्यों करना, वी वॉन्ट टू ऑप्टिमाइज आर रिसोर्सेज, राइट, ठीक है। तो इसलिए हम डिसाइड करते हैं पहले कौन से बनाए, क्योंकि अगर ऐसे गुड्स बना दे जो इकोनॉमी कंज्यूम नहीं करने वाली तो भी वेस्टेज है, ठीक है, और अगर ज्यादा बना दिए जितनी कंजम्पशन नहीं है तो भी वेस्टेज है। तो विच कमोडिटीज आर टू बी प्रोड्यूस, तो उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया कि दो गुड्स हो जाते हैं, या तो वॉर गुड्स या सिविल गुड्स, या फिर हमारे पास एक गुड्स होते हैं कैपिटल गुड्स और दूसरे होते हैं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वही गुड्स जो वो गुड्स जो एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है, जैसे कोई भी चीज आप अपनी कंजम्पशन के लिए यूज करते हो, लाइक ब्रेड, व्हीट, राइस, शूज, वॉच, शर्ट, पेन, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, एयर कंडीशनर, ये सारे कंज्यूमर गुड्स हैं। एंड व्हाट अबाउट कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक प्रोड्यूसर को हेल्प करते हैं फर्दर गुड्स की प्रोडक्शन करने में, लाइक मशीनरीज, जितनी भी मशीनरी आप देखते हो, ठीक है, ये प्रोड्यूसर्स को हेल्प करती हैं फर्दर गुड्स की प्रोडक्शन करने में। तो इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से बनाए। अगर जैसे रशिया है, रशिया के अंदर इतनी ठंड होती है कि वहाँ पे उनको अल्कोहल कंजम्पशन ज़रूरी है, तो वहाँ की गवर्नमेंट उस चीज़ की कंजम्पशन को प्रमोट करेगी, राइट। इंडिया है, इंडिया में जनरली वीट और राइस लोग खाते हैं, तो हम यहाँ पे इस चीज़ को प्रमोट करेंगे। फॉरेन में लोग वेस्टर्न कंट्रीज में ब्रेड ज़्यादा खाते हैं, तो उनकी कंट्री ब्रेड की प्रोडक्शन पर ज़्यादा ध्यान देगी, हम यहाँ पे चपाती और राइस में घुस हैं तो हम इसकी प्रोडक्शन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, एंड दैट्स द आइडिया, ओके। एंड इन व्हाट क्वांटिटी, अगेन वही तीन रोटी वाला एग्जाम्पल, अगर भाई पाँच बना देंगे तो पहले ही लिमिटेड है, फिर वेस्टेज क्यों करना। तो इसलिए डिसाइड कर लो पहले से ही कि तुम्हें किस क्वांटिटी में उस चीज को बनाना है। तो इसके दो एस्पेक्ट आ गए, क्या बनाना है फिर कितनी क्वांटिटी में। इसका गाइडिंग प्रिंसिपल बहुत आता है एग्जाम में। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, एलोकेट द रिसोर्सेज इन अ मैनर व्हिच गिव्स मैक्सिमम एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन। अब कोई बोलेगा ये बनाओ, कोई बोलेगा वो बनाओ, कोई बोलेगा ये बनाओ वो बनाओ, हम हमेशा एक बात पढ़ते हैं मेजोरिटी विंस। मेजोरिटी विंस का मतलब एक ऐसी चीज को प्रोडक्शन करो और ऐसी क्वांटिटी जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके, एंड दैट इज द आइडिया व्हाट टू प्रोड्यूस। सो लेट अस स्टार्ट विद हाउ टू प्रोड्यूस। सी व्हाट इज हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस मींस चॉइस ऑफ टेक्निक। यू कैन से, आई कैन राइट इट ओवर हियर, चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि किस टेक्निक से तुम प्रोडक्शन कर सकते हो किसी गुड की। अब टेक्निक पूरी दुनिया में दो ही है, या तो तुम लेबर यूज करते हो तो मशीन, इसके अलावा क्या यूज कर लोगे, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो चॉइस ऑफ टेक्निक में क्या आ गया, दो चीजें, एक लेबर इंटेंसिव और एक कैपिटल इंटेंसिव। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव मींस मोर ऑफ लेबर एंड लेस ऑफ मशीनरी। लेबर इंटेंसिव का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ तुम लेबर ही लगा दोगे, नहीं,
ज्यादा लेबर कम मशीनरी, जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, जो एमएसएमईज होती हैं, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मैंने एक लेक्चर अपलोड कर रखा है पूरा एमएसएमईज के ऊपर, अगर आपको थोड़ी भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगा एमएसएमईज के ऊपर, ठीक है। तो लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव क्या होती है, मशीनरी, जैसे जापान, जर्मनी, यूएसए। तो आप एक हिंट समझो, मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड नेशन जो होते हैं वो क्या यूज करते हैं, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज करते हैं, और डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशन लाइक इंडिया, चाइना, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वो किसको यूज करेगी, एलआईटी को। क्यों? क्योंकि ये उनको एक हेल्प करेगा किस चीज में, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। पहले ही पॉपुलेशन ज्यादा है और तुमने मशीन लगा दी तो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगा, ये तो कोई बात आग में घी डालने वाली बात हो गई। सो हम क्या करते हैं, एलआईटी जनरली कहाँ यूज होता है, वो नेशन जहाँ पे क्या है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करेगी, बट वो नेशन जहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है ऑलरेडी, वो डेवलप्ड नेशन है, वो किसका यूज करते हैं, सीआईटी का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये मैंने पॉइंट लिखा है। अब बात आती है गाइडिंग प्रिंसिपल, इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, कंबाइन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन सच अ मैनर सो दैट मैक्सिमम आउटपुट इज प्रोड्यूस एट मिनिमम कॉस्ट, यूज लीस्ट पॉसिबल स्केर्स रिसोर्सेज। अगेन स्केर्सिटी है, तो स्केर्सिटी की वजह से हम नहीं चाहते किसी तरह की वेस्टेज हो, ठीक है। तो वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, मैं लेबर भी यूज करता हूँ, मैं मशीन भी यूज करता हूँ, और दोनों को कंबाइन इस मैनर में करते हैं कि उससे मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस हो, ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूसर को प्रॉफिट तब होगा और कॉस्ट कम से कम आए, है ना। इनपुट कम यूज करना, आउटपुट ज्यादा निकालना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारी प्रॉब्लम, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब ये होता है कि बेसिकली जो तुम बनाने जा रहे हो वो कंज्यूम कौन करेगा, भाई आपकी इकोनॉमी के अंदर हर तरह के लोग होते हैं, ठीक है, हर तरह के, मतलब रिचर पुअर और रिचर पुअर और मिडिल क्लास, हर तरह के लोग होते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू डिसाइड कि जो तुम गुड बना रहे हो वो अल्टीमेटली कंज्यूम कौन करने वाला है, ठीक है। सो जो गुड्स बना रहे हैं वो मोर फॉर रिचर है या मोर फॉर पुअर है, ठीक है, ये आपको डिसाइड करना पड़ता है। इस चीज को समझने के लिए इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी है जिसे हम थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और इसके दो हेड्स हैं, एक पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, एक फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं पूरा का पूरा एक लेक्चर दूंगा अलग से, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप समझो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इट मीन्स हाउ नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल अंडर पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस स्टडी पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। मतलब जो कंट्री की जो इनकम आती है वो लोगों के बीच, क्योंकि देखो तुम कितना कंज्यूम कर सकते हो और तुम क्या कंज्यूम कर सकते हो डिपेंड करता है तुम्हारी इनकम कितनी है। इनकम कितनी है वो डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इवन है या अनइवन। इवन का मतलब है कि जितना तुम काम करते हो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें शेयर मिलता है। अनइवन का मतलब है जहाँ पे कुछ लोगों के पास ही सारा पैसा होता है। सुना होगा ना, अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब, तो अनइवन होगा तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा पॉवर्टी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली बात है आपको गरीबों के हिसाब से मीडियम क्लास के हिसाब से गुड बनाने पड़ेंगे। बट इवन होगा, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज में हर किसी के पास फरारी है, ऑडी है, क्यों, क्योंकि इवन डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का। वहाँ पे एक लॉज बने हुए, इंडिया में भी है बट अप्लाई नहीं पाते, वहाँ अप्लाई हो रहे हैं। इसकी वजह से सबकी कंजम्पशन जनरली क्या है, अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे इनकम अच्छी है, यहाँ पे इनकम नहीं है अच्छी, ठीक है। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या पड़ता है, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन इस बात को पड़ता है कि भाई आपके लिए मैंने क्लास दी तो आपने मुझे फीस दी, आपके लिए किसी ने लैंड दिया तो आपने उसे रेंट दिया, किसी और पर्सन ने आपको अपना कैपिटल दिया इंटरेस्ट, मतलब जिसका जो फंक्शन उसको उसके अकॉर्डिंग पैसा दे देना, है ना। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करो किसके हिसाब से, फंक्शन मीन क्या सामने वाला आपके लिए परफॉर्म कर रहा है इसके लिए, ठीक है। अब इसका गाइडिंग प्रिंसिपल, इट इंश्योर्स दैट अर्जेंट वांट्स ऑफ ईच प्रोडक्टिव फैक्टर आर फुलफिल्ड टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। मतलब जो भी अर्जेंट वांट है वो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट तक पूरा होना चाहिए। तो एक बात आपने याद रखनी है, तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड सेंट्रल प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम लीड्स टू सेंट्रल प्रॉब्लम। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट गलती एग्जाम में करते हैं कि उनसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम पूछा जाता है या सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम उनके दिमाग में इतना बैठ जाता है कि वो सेंट्रल प्रॉब्लम में भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में भी सेंट्रल प्रॉब्लम लेते हैं। ऐसा नहीं करना। स्केयरसिटी की वजह से आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से आता है आपके पास सेंट्रल प्रॉब्लम। तो एक चेन होगी ना आपके पास कुछ, अगर मैं आपको समझाऊं तो ये कुछ इस तरीके से हो गया कि ये आ गया स्केयरसिटी, स्केयरसिटी से आ गया इकोनॉमिक
प्रॉब्लम, और क्योंकि हर इकोनॉमी के पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो हर इकोनॉमी के पास क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम, और सेंट्रल प्रॉब्लम कितनी है बस तीन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द रेलेवेंट लेक्चर्स रिगार्डिंग योर 11th, 12th ग्रेजुएशन एंड जनरल इकोनॉमिक्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.